दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका आर्मी अग्निवीर के रनिंग को लेकर के। देखिए साथियों, मैं आपको पहले बता चुका, मैंने आपको नोटिस भी दिखा दिया है, आप लोग नोटिस आकर के देख भी सकते हो ऑफिशियल साइट पर, कि आपका दोस्तों जो एक्सपेक्टेड है यानी 15 तारीख यानी 15 जून से साथियों आप लोगों की रनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 15 जून से साथियों आपकी रनिंग स्टार्ट होने वाली है, और दोस्तों 25 मई को या 25 या 24 या 23 दोस्तों इन तीनों डेट के अंदर मैं आपको बता दूं 25 तक लेटेस्ट आप लोगों का क्या है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। और जो आपके आर्मी अग्निवीर के रनिंग के एडमिट कार्ड साथियों, वो करीब करीब 5 जून तक आप लोगों के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा आर्मी अग्निवीर के। अब देखिए साथियों, मैं इसमें बात करने वाला हूं किस एआरओ वगैरह की दौड़ किस तरीके से होगी, क्या आपके कट ऑफ जाने की संभावना, और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जिन भी साथी के अगर 30 क्वेश्चन से ज्यादा सही हैं, 30 या 30 क्वेश्चन ज़्यादा सही है, किसमें, ट्रेडमैन में और दोस्तों जीडी में, ट्रेडमैन में और जीडी में अगर जिसके भी 30 या 30 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं, वो लोग रनिंग करते रहें। आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर ट्रेडमैन में बात करें या आर्मी के आपके जीडी अग्निवीर की बात करें, तो वहाँ पर दोस्तों आपका 100 नंबर का पेपर है और 100 ही नंबर का दोस्तों आपका फिजिकल है। अगर मैं मानता हूँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ कि मान लेते दोस्तों कोई ऐसा बच्चा है जिसने 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन को ठीक कर दिया और दोस्तों उसके रिटर्न में आ गए 90 मार्क, लेकिन दोस्तों अगर वो मान लो दौड़ में गया और दौड़ में दोस्तों क्या है 60 नंबर, तो देखिए 9, 6, 15 नहीं उसके कितने बने दोस्तों 150 नंबर बने। लेकिन साथी अगर आप रनिंग मार दे रहे हो ग्रुप वन में, आपके आते हैं 100 नंबर, आपके दोस्तों यहां पर कितने आए हैं, मैं मानता हूँ आपके 30 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, आपके 60 नंबर आए हैं। देखिए कितने हो गए दोस्तों, आपके हो गए 160, उसके कितने हैं 150। अब आप उसके ऊपर कितना भारी पड़ चुके हो आप देख सकते हो दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको जो मैं डेट बता रहा हूँ, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप लोग खुद आके देखिएगा। मैंने आपका इसके पहले AOC के बच्चों से आप पूछ सकते हो जाकर के कितनी सटीक जानकारी दी है, चाहे आप CRPF के बच्चों से पूछ सकते हो, CISF के बच्चों से पूछ सकते हो, BSF के बच्चों से पूछ सकते हो दोस्तों। मैं जितना भी आपका डिफेंस का 1 डे एग्जाम दोस्तों सारी चीज़ों को कवर करता हूँ, और आपको बता दूं दोस्तों जो जानकारी मैं आपको देता हूं एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ देता हूं। और जिस दिन दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा, यही वीडियो का मैं लिंक आपको देने वाला हूं, आप लोग देख लीजिएगा। और सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जो आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूं दोस्तों, उस गाइडेंस में आप लोग जरूर अपनी प्रिपरेशन करिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों, मैंने यहां पर 2 चीजों के बारे में बात किया, ट्रेडमैन और जीडी। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं आपका क्लर्क का ट्रेड हो गया या फिर आपका हो गया जाकर के टच का ट्रेड यानी कि टेक्निकल का ट्रेड, दोस्तों वहां पर कम से कम आपके 32 से 33 क्वेश्चन पे कट ऑफ लगने वाली है, ये आप तय मान लीजिए। लेकिन वहां पर इसलिए दोस्तों लगने, क्योंकि वहां पर आपको 200 नंबर का पेपर है दोस्तों, उसमें आपके रनिंग के नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करने वाले हैं, आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आप लोग देखिएगा यहां पर किस AR वगैरह का किस तरीके से प्रोसेस चलने वाला उसके बारे में। सभी साथी दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और दोस्तों आप लोग चैनल से जरूर जुड़िए, आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलता है दोस्तों। देखिए साथी अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा कि दोस्तों जो आपका एग्जाम था वो 17 से लेकर के 25 अप्रैल तक चला है अन्य ट्रेड्स का। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, अलग अलग शहरों में आप लोगों के एग्जाम हुए हैं। देखिए सो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि देखिए जो आपका एग्जाम है साथी, वो एग्जाम दोस्तों आपको बता दूं कि आपका एग्जाम एक साथ हुआ, एग्जाम का नोटिफिकेशन आया एक साथ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वायु अग्निवीर की बात करें दोस्तों, ठीक है, या आपके नेवी अग्निवीर की बात करें दोस्तों, वहां पर आप देखते होंगे वहां पर दोस्तों पूरे सबका एक ही साथ फॉर्म आता फिल होता, सब लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों आर्मी में दिक्कत क्या होती है दोस्तों, क्योंकि आर्मी में दोस्तों सब बच्चे अप्लाई कर सकते, 33% वाला भी अप्लाई कर सकता है जीडी में, तो वहां पर दोस्तों बच्चों को ज्यादा बुलाना होता है, क्योंकि वहां पर फिजिकल का रोल ज्यादा होता है। तो वहां पर दोस्तों AR वाइज दोस्तों चीजों को डिवाइड किया गया, जैसे आपको देखिए AR आगरा है, AR अमेठी है, AR बरेली है, AR लखनऊ है, AR मेरठ है, इस तरीके से दोस्तों आपके AR वाराणसी हो गया, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपके AR लगे हैं। देखिए जो पेपर होगा दोस्तों आपका इकट्ठे नोटिफिकेशन आता है, और सेकंड वाला दोस्तों जो नोटिफिकेशन होगा वही बता दूं आपको, वो नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी साथियों का जुलाई लास्ट तक आने की पूरी पूरी संभावना है, या अगस्त के फर्स्ट वीक में, ठीक है। उसका जो पेपर वगैरह होगा दोस्तों वो नवंबर दिसंबर के आसपास होने वाला है। अब देखिएगा, आप लोग समझने का पहले प्रयास करिएगा। देखिए आपके रिजल्ट दोस्तों एक साथ, सभी AR के जो रिजल्ट है दोस्तों वो 25 तारीख तक सभी साथ के रिजल्ट एक साथ जारी कर दिए जाएंगे। और दोस्तों जो रिजल्ट जारी करने के बाद दोस्तों हर AR की जो लिस्ट है उस AR को दोस्तों भेज दी जाएगी, फिर वो AR क्या करेगा दोस्तों आपके एडमिट कार्ड को जारी कर देगा, और बच्चों को जो है सिक्वेंस वाइज मतलब 200, 500, 700 देखते हैं किस तरीके से बच्चे कितने पास होते हैं, उतने बच्चों को दोस्तों पर डे के हिसाब से, जो भीड़ होता था, जो लड़ाई झगड़ा होता था दोस्तों, कभी बच्चे टूटते फूटते थे, वो सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या करेगा, 500 से 700 या 300 देखते किस तरीके से भीड़ होती है दोस्तों, आपके बच्चों को बुलाएगा, उनका फिजिकल होगा, उनका मेडिकल का स्टैंडर्ड होगा, सारी चीज़ों को वहाँ पर फॉलो किया जाएगा, फिर सारे बच्चों का जैसे फिजिकल कंडक्ट हो जाएगा
जाएगा आपके दोस्तों PSL यानी प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट आ जाएगी, फिर आप लोगों का एक फाइनल जो मेडिकल होता है वो होगा, फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपको लेटर वगैरह इशू कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर बता रहा हूँ। और दोस्तों अब देखिए मैं बता दूँ आपको कि अगर जो आपका रिजल्ट की बात करें दोस्तों, एक सबका रिजल्ट दोस्तों एक साथ आने वाला है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके फिजिकल की डेट की मैं बात करूँ, आपका 15 तारीख से फिजिकल दोस्तों, अगर मोस्टली मैं बात करूँगा दोस्तों 2-4 दिनों का अंतर होगा। मान लो 15 से आपका ARO अमेठी स्टार्ट हो गया, ARO आगरा स्टार्ट हो गया, ARO बरेली स्टार्ट हो गया, 3-4 AOC का दोस्तों एक साथ होगा, उसके 1-2 दिन बाद दोस्तों सारे AOC के, यानी अगर मान लीजिए 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक सारे जितने भी दोस्तों आपके ARO हैं सारे ARO का दोस्तों आपके अग्निवीर की रनिंग को कंप्लीट करवा लिया जाएगा दोस्तों। उसमें बहुत ज़्यादा का 2-4 दिनों का अंतर दोस्तों देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा बस आपको। इस तरह दोस्तों आपको किसी प्रकार कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी साथी आप लोग अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से अपने रनिंग की प्रिपरेशन करो, ताकि अगर आप लोग जब रनिंग में जाओ तो आपको दोस्तों किसी प्रकार का किसी भी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपके रनिंग का दोस्तों, आपको बता दूँ ग्रुप वन में दोस्तों आपको क्या करना है, 5:45 में, ठीक है ना, 5:45 में दोस्तों आप लोगों को 1600 मीटर की रनिंग को मारना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे, और आप सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ खूब अच्छे से अपने रनिंग की तैयारी करिए दोस्तों, ग्रुप में आने का प्रयास करिए दोस्तों। ग्रुप वन में आने से दोस्तों आपको 40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके क्या करेंगे, जो कि आपको दोस्तों मेरिट में फाइनल मेरिट में दोस्तों आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही सहायता आपके होने करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जिन साथियों के पास NCC का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, या उनके पास डिप्लोमा का कोई सर्टिफिकेट, स्पोर्ट का कोई सर्टिफिकेट, जरूर दोस्तों उसको जरूर लेकर के जाएगा दोस्तों। आपको 5 से 7 नंबर हर टेक्निक, आप मैंने वीडियो बना दिया आप जाकर देख सकते हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क भी मिलने वाले दोस्तों। और आपको AFDB वगैरह किस तरीके से लेकर जाना है दोस्तों, वो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल दिया दोस्तों, उसका पूरा मैंने सैंपल दिखा दिया है आपको, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट कोई भी एरर नहीं होंगे। आप लोग इन चीजों को फॉलो करिएगा, जिससे दोस्तों आपका किसी प्रकार का कोई गलती ना हो। और अगर आपको आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड दोस्तों कोई सजेशंस, कोई जानकारी चाहिए, तो आप सभी साथी कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दोस्तों मैं देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को ये सारी वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसलिए दोस्तों चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।